देखें PWM चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। देखें PWM चार्ज कंट्रोलर इस तरह होता है, PWM चार्ज कंट्रोलर यहाँ पर आपने देनी होती है PV यानी प्लस माइनस, जो कि आपके सोलर पैनल से आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके सोलर पैनल, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपके सोलर पैनल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो सोलर पैनल्स थे और आपने जब PWM यूज़ करना है तो आपने अपने सोलर पैनल्स को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को, चूँकि आप 12 वोल्ट का आपका सिस्टम है, ठीक है, और अगर आप ये 150 वाट्स का पैनल यूज़ कर रहे हैं, 150 वाट्स के दो पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एक की जो वोल्टेज जब सिस्टम में कनेक्ट होगी, जिसकी वोल्टेज तकरीबन 18 से 20 वोल्ट होंगे, तो जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो है वो 18 से 20 ही रहेंगे, मगर उसका जो करंट है वो एडअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पैनल जो है वो तकरीबन 7 एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रहा हो और दूसरा पैनल भी आपको 7 एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रहा हो, तो इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, यानी कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें और माइनस को माइनस के साथ जोड़ दें, तो ये मिल जाएंगे 7+7 14 एम्पेयर्स। क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट ऐड होता है और वोल्टेज सेम रहती है, तो वोल्टेज जो है इन दोनों की सेम रहेगी और करंट जो है वो ऐड अप हो जाएंगे, यानी कि 7+7 14 एम्पेयर्स हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से ये प्लस लेनी है और यहाँ से ये माइनस लेनी है, और PWM चार्ज कंट्रोलर में आपने ये करना है कि देखें ये माइनस आई, ये माइनस माइनस में चली गई और यहाँ से ये प्लस आई और प्लस जो है वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो यानी कि सिंपली आपने इनको पैरेलल में आपने कनेक्ट किया दोनों को, यानी कि जो दो पैनल्स थे उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करके, और सिंपल जो है वो ये PV इनपुट कहलाती है, इसे कहते हैं PV इनपुट, यानी कि जो पैनल से आ रही है ऊपर, यानी कि फोटोवोल्टिक इनपुट, ठीक है। तो उससे अगर हम आगे चलते हैं, साथ होते ही बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यहाँ होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव, और ये होता है बैटरी का, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल आप ये एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, और ये इस बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, तो आपने सिंपली इस प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट कर देना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि सबसे पहला कनेक्शन आपने बैटरी से करना है, मतलब जब कनेक्शन करने की बारी आएगी तो पहले PV इसमें कनेक्ट नहीं करनी, पहले PV कनेक्ट नहीं करनी। मैंने जो आपको बताया है वो मैंने मिस्टेकनली आपको पहले सोलर पैनल का बता दिया, लेकिन आपने जब कनेक्शन करने हैं तो PWM चार्ज कंट्रोल जब भी आप यूज़ करेंगे तो पहला कनेक्शन आपने बैटरी का करना है, पहले बैटरी कनेक्ट करनी है। जब बैटरी के ये वोल्टेज यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा कि भी बैटरी कनेक्ट हो गई है, उसके बाद फिर आपने ये पैनल्स की जो PV इनपुट है इसमें कनेक्ट करनी है। और जब आप ये वापस निकालेंगे तो सबसे पहले जो आपने वापस तार निकालनी है वो बैटरी की नहीं निकालनी, सबसे पहले आपने PV बाहर निकालनी है, ठीक है, उसके बाद बैटरी बाहर निकालनी है। और अगर आपने उल्टा किया, फॉर एग्जांपल आपने जैसे अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए इसको पहले कनेक्ट किया था, डैट वाज रॉन्ग, तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या होगा कि ये PWM चार्ज कंट्रोलर जलने का खतरा है। और मैक्सिमम होता यही है कि आम तौर पे PWM चार्ज कंट्रोलर जो ख़राब होता है या एबनॉर्मल बिहेव करता है, उसकी वजह यही होती है कि आपने सबसे पहले बैटरी नहीं कनेक्ट की होती बल्कि सबसे पहले पैनल कनेक्ट किए होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं साथ साथ बता दी आपको। उसके बाद तीसरा जो उसके यहाँ कनेक्शन आता है वो आता है लोड का, ये है लोड की प्लस और ये है लोड की माइनस, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपका ये लोड है, ये 12 वोल्ट्स का लोड है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपका AC/DC फैन है। अब AC/DC फैन की ज़ाहिर है कि एक प्लस होगी और एक इसकी माइनस होगी, राइट। अब अपने AC/DC फैन ये रन करना है, इसके अलावा आपकी एक ये जो है वो लाइट्स हैं, इसकी भी एक प्लस होगी और एक इसकी माइनस होगी। तो अब आप सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सी आप वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ कि बाद लोग पूछते हैं कि ये कौन सी वायर यूज़ करें। ये आप 2 square से लेकर, ठीक है, 4 square तक कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ बैटरी में भी आप सेम वायर, यानी 4 square में प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे आप 4 square यूज़ करें लाजमी, 4 to 6 square जो है वो इनके इसके दरमियान में भी यूज़ करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही पैनल हैं तो 4 square भी यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन 4 to 6 के दरमियान में यूज़ करें। फिर है लोड, लोड पे कौन सी लेके जाएं, यानी कि जो आपने देखें ये जो आपका सेटअप रखा हुआ है ना सारा, बैटरी और PWM, ये बिल्कुल होना चाहिए तकरीबन 5 meter के अंदर अंदर, यानी कोशिश करें कि इसको 10 से 15 फिट के अंदर अंदर रखें, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके घर में तीसरी मंजिल में माउंटी के ऊपर ये सोलर पैनल इंस्टॉल हो रहा है, तो वो जो आपके बिल्कुल टॉप पे रूफ़ के ऊपर जो आपकी माउंटी बनी हुई है उसके, यानी कि ऊपर कोई कमरा बना हुआ हो, उस कमरे के अंदर ही या ऊपर ही कोई जगह देख के वहाँ पे ही आपको 5 meter के अंदर अंदर ये दोनों चीज़ें वहीं पे रखनी होंगी,
यानी कि ये जो फासला है पैनल से लेकर ये इस सेटअप का, ये 5 से 7 मीटर से ज़्यादा आपका बढ़ना नहीं चाहिए, वरना नुकसान ये होगा कि ये आपकी बैटरी जो है वो मुकम्मल तौर पे चार्ज नहीं होगी सही तरह। बहुत सा करंट जो है वो हमारा इस लंबी वायर की वजह से रास्ते में वोल्टेज और करंट ज़ाया हो जाएगा, इन पावर वेस्ट हो जाएगी। तो उस पावर को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको ये सेटअप जो है 5 से 7 मीटर के अंदर रखना पड़ता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं दोबारा वायरिंग के ऊपर। जैसे मैं बता रहा था 4 से 6 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गई लोड की बारी कि लोड को कैसे कनेक्ट करना है। देखें, एक तो ये तरीका है कि ये प्लस है, तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से बैटरी से प्लस उठाते हैं तो यहाँ दे देते हैं, यहाँ से बैटरी से माइनस उठाते हैं और यहाँ दे देते हैं, तो आपका ठीक है लोड तो चलेगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, मैं नुकसान भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नुकसान ये होगा कि आपकी ये जो बैटरी है ये डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी, यानी कि अगर आप उसके पास ज़्यादा लोड चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ACDC पंखे 2 से 3 4 चला रहे हैं और लाइट्स भी ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा लोड चलाना शुरू कर देते हैं, तो आप ज़्यादा लोड चलाने की वजह से ये बैटरी जो है डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। डीप डिस्चार्ज का मतलब ये है कि वैसे इस आमतौर पर ये 12 वोल्ट्स की बैटरी होती है, जब ये फुली चार्ज होती है तो ये तकरीबन 14 से 14.5 वोल्ट के दरमियान में वोल्टेज दे रही होती है जब ये फुल चार्ज होती है, राइट। लेकिन जब ये बैटरी जो है ये आप यूज़ करते हैं और शाम के वक्त यानी कि मगरिब के बाद जब सोलर अवेलेबल नहीं होता, तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये बैटरी जो है इसके वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करने लग जाते हैं और फिर ये 13 पे आते हैं, फिर 12 पे आते हैं और फिर 11.5 के करीब आ जाते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब ये 11.5 तक आए तो फिर आपका लोड जो है वो बंद ऑफ हो जाना चाहिए, राइट, ताकि आपकी बैटरी 11.5 से नीचे वोल्टेज ना गिराए। लेकिन अमूमन जब आप डायरेक्ट आप फॉर एग्जांपल यहाँ इस लोड को डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या होगा, 11.5 से 10.5 फिर 9.5 फिर 8, राइट, फिर नेक्स्ट जब सुबह होगी ये बैटरी चार्ज होगी उसके बाद दोबारा ये 14 पे आ जाएगी, फिर वही शाम को वही रूटीन होगी नेक्स्ट डे, फिर ये जाएगी 13 पे 12 पे 11 पे 10 पे फिर 9 पे फिर 8 पे फिर 7 पे फिर 6 पे, यानी कि ये पीछे जाती जाएगी क्योंकि आपने हैवी लोड डाला हुआ है रात को उसके ऊपर, कहीं पंखे आप उसके ऊपर चला रहे हैं, उसकी वजह से ये डीप डिस्चार्ज में जा सकती है। और ऐसा भी होगा एक दिन कि ये बैटरी जो है वो नेक्स्ट डे चार्ज ही ना हो सही तरीके से, या चार्ज अगर हो भी तो एकदम डिस्चार्ज हो जाए, मतलब बैटरी के साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, यानी बैटरी अबनॉर्मल बिहेव करने लग जाएगी। उसकी वजह यही है कि आपने लोड जो है वो डायरेक्टली उठा के इसको दे दिया। होना क्या चाहिए, ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर आपने यूज़ किया है, इस PWM चार्ज कंट्रोलर के यहाँ पे जो तीसरी कनेक्शन है वो लोड की है, तो अब ये आपने माइनस यहाँ माइनस से कनेक्ट कर देना है और ये जो प्लस है ये प्लस से कनेक्ट कर देना है। इसी तरह देखें, ये जो प्लस है ये यहाँ दे देना है और माइनस जो है वो यहाँ दे देना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने यहाँ से उठा के नहीं दी बल्कि लोड से दी है, राइट। तो और एक बात और भी सोचें कि जिसने ये PWM चार्ज कंट्रोलर बनाया है, जाहिर है उसने भी कुछ सोच के बनाया है, उसने ये लोड का ऑप्शन क्यों दिया, ये भी सोचने की बात है कि उसने अगर ये लोड का ऑप्शन ज़रूरी ना होता, ठीक है, बैटरी से ही लोड उठाना होता तो वह ये लोड का ऑप्शन क्यों बनाता। तो इस ये लोड का ऑप्शन बनाया इस वजह से क्या, मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि अगर आपने इससे कनेक्ट, अब होगा क्या, जब इसकी वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं, PWM इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, ये नहीं कि आप सेट कर सकते हैं कि जब ये फुल तो यहाँ हो रही है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा उसको चार्ज ना करे, यानी PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरी को 14.5 से या 14 से ज़्यादा चार्ज ना करे, ये भी आप इसमें ये वैल्यू सेट कर सकते हैं, चाहे आप 14.5 सेट कर लें, 14.32 या 14 सेट कर लें या 13.7 सेट कर लें, जो भी आपने जिस साइज़ की बैटरी उस हिसाब से ये वोल्टेज सेट किए जा सकते हैं यूजिंग दिस PWM चार्ज कंट्रोलर, ताकि वो ओवर चार्ज ना हो। एक तो ये फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा कि जब आप मगरिब के बाद आपके जब अंधेरा हो जाता है, जब सोलर एनर्जी नहीं होती, तो उस वक्त आप जब लोड डालते थे पहले, तो पहले सिनेरियो में क्या था, पहले सिनेरियो में था कि बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा रही थी, लेकिन ये चार्ज कंट्रोलर PWM चार्ज कंट्रोलर बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने से रोकता है, क्यों कि आप उसकी वो भी वोल्टेज यहाँ पे इसके अंदर सेट कर देते हैं कि भाई इससे नीचे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो लोड डिसकनेक्ट हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल आप सेट कर देते हैं 11.5 से लेकर 12.5 के दरमियान में कोई भी सेट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड कि भाई इतने जब मेरे इतने वोल्टेज हो जाएं तो लोड कट ऑफ हो जाए, यानी लोड चले ही ना, जब लोड चलेगी लोड कट ऑफ हो जाएगा, लोड चलेगा नहीं रात को, फॉर एग्जांपल रात को 11 बज गए 12 बज गए कंटिन्यूसली आपकी बैटरी इस्तेमाल हो जा रही है 12 1 बज गए, अब आपकी बैटरी के वोल्टेज हो गए 11.5, तो 11.5 पे जाके लोड आपका बंद हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, लोड तो बंद हो जाएगा, फ़ायदा ये होगा ये बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी और बैटरी की लाइफ जो है वो कई 2 साल तक 3 साल तक भी हो सकती है इस केस में, और बैटरी जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगी, राइट, यानी कि बैटरी को आपने
डीप डिस्चार्ज होने से, यानी कि बहुत बिल्कुल ख़त्म होने से, डेड होने से बचा लिया। तो ओवरचार्ज होने से भी बचा लिया और डेड होने से भी बचा लिया। तो आपने दोनों थ्रेशोल्ड जो हैं वो PWM चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग्स में बटन दिए होते हैं, उन बटन से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने को बताया कि क्या फ़ायदा है लोड को इससे कनेक्ट करने का। तो ये दिस इज़ हाउ वी यूज़ PWM चार्ज कंट्रोलर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द MPPT चार्ज कंट्रोलर। कि PWM और MPPT जो है उसमें क्या फ़र्क है। देखें, PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो 70% एफिशिएंट है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है, 70% से ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर है, MPPT चार्ज कंट्रोलर आपका 93% से लेकर 95% तक एफिशिएंट है। यानी अब एफिशिएंट यहाँ मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो PV से वोल्टेज और करंट आ रहे हैं, जो पावर आ रही है, अगर PWM में आएगी जितनी पावर यहाँ से आ रही है, तो ये 70% आगे देगा लोड को और बैटरी को, 70% आगे दे सकता है और 30% ये वेस्ट कर देगा। राइट, यानी जितनी एनर्जी बन रही है सोलर से उसमें 30% वेस्ट हो जाएगी, 70% जो है वो बैटरी को भी जाएगी और लोड को भी जाएगी, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर आप आते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर पे, जो कि एक्सपेंसिव है, डैट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव बट इट हैज़ सो मच बेनिफिट्स ओवर दिस। अब वो बेनिफिट्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। एफिशिएंसी 93-95%, यानी ऑलमोस्ट 95% का मतलब है 100 के करीब, यानी तकरीबन 95% एनर्जी आपकी जो है वो आगे ये लोड को और बैटरी को देता है, यानी ज़ाया सिर्फ 5% से 7% कर सकता है ये। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है। और अब हम बात करते हैं कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। देखें, PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो मार्केट में 10 एम्पेयर्स का भी आता है, 20 एम्पेयर्स का भी आता है, 30 एम्पेयर्स का भी आता है, 50 एम्पेयर्स का भी आता है। राइट, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि PWM चार्ज कंट्रोलर जो है, अगर आपने 2 पैनल तक यूज़ करने हैं या 3 पैनल तक यूज़ करने हैं, अगर 2 पैनल तक यूज़ करने हैं तो आप 30 एम्पेयर कर लें, अगर 3 या 4 पैनल तक यूज़ करने हैं तो आप 50 एम्पेयर कर लें। 10 को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, 10 को आप बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। अगर एक पैनल है तो स्टार्टिंग आप जो है 20 से करें, एक पैनल के लिए 20 कर लें, 2 पैनल के लिए 30 कर लें और 3 से 4 के लिए 50 कर लें। 10 को आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि 10 में बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। आप क्योंकि आपका जो पैनल है तकरीबन 7-8 एम्पेयर देता है, और ये 10 एम्पेयर लिखा होता है लेकिन एक्चुअली वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि लिखने में तो बहुत सी कंपनीज यहाँ लिख देती हैं ये इतना एम्पेयर का है, लेकिन एक्चुअली उतना होता नहीं है। जब प्रैक्टिकली चीज़ चलती है फिर उसका पता चलता है कि ये कितने पानी में है। तो एनीवेज, ये PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो मैंने आपको फुल आपको डिटेल बताई है इसको कैसे कनेक्ट करना है, और ये भी बताया है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखें, ठीक है, अब इसकी प्राइस की बात कर रहे थे हम, कि प्राइस जो है वो इसकी मार्केट में अगर एम्पेयर्स पर डिपेंड करती है कि कितने एम्पेयर्स हैं, जितने पैनल्स होंगे उतने एम्पेयर्स होंगे, जितने एम्पेयर्स होंगे उतनी प्राइस होगी। स्टार्टिंग कहाँ से है, स्टार्टिंग जो है वो आपको मिल जाता है ये तकरीबन 2000 रुपीज़ से लेकर ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ के दरमियान में, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पेयर्स, ठीक है। इससे कम अगर कोई दे रहा है तो वो आप ना लें, उसकी वजह ये कि वो बिल्कुल ही एक थर्ड क्लास चीज़ होगी, तो वो आप यूज़ ना करें। यानी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले लें, तकरीबन 2500 की तक की रेंज का ले लें, तो वो एक एवरेज प्राइस है। और अगर 50 एम्पेयर्स का है तो वो तकरीबन 3500 की रेंज में मिल जाएगा आपको, अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का। अच्छा जी, अब आते हैं MPPT के ऊपर। अब MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो किस प्राइस में से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 12,500 रुपये से, पाकिस्तानी 12,500। मैं बात कर रहा हूँ, ये महीना है अप्रैल का 2023, तो 12,500 से ही स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आपका 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का सिस्टम है या 1000 या 2000 वाट तक आपका लोड है, तो आप ये 12,500 वाला सिस्टम जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लोड जो है वो आपको हाइब्रिड MPPT चार्ज कंट्रोलर चाहिए, तो अगर हाइब्रिड वर्जन चाहिए तो वो आपका स्टार्ट होता है तकरीबन 26,000 से, और एक ब्रांड 26,000 का है और एक ब्रांड जो है वो तकरीबन 22,000 के आसपास है। तो ये है हाइब्रिड मोड में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्राइस होगी, और अगर हाइब्रिड में यूज़ नहीं करना चाहते, यानी सिंपली MPPT चार्ज कंट्रोलर, यानी कि इसकी एफिशिएंसी इतनी लेना चाहते हैं, हाइब्रिड वर्जन यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर 12,500 उसकी प्राइस होगी। तो ये है उसकी प्राइस और ये है उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क। अब नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ पैनल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं और ये कैसे, ये सिलेक्शन जो है ये किस बेस पे की जाती है कि हमें ये यूज़ करना है कि ये। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम बंदे को नहीं पता होती, हम पैसे बचाने के लिए PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, पावर की बात करें कि हमें कितनी ज़्यादा कहाँ से मिल रही है, तो डेफिनेटली वो ये MPPT इज़ द बेस्ट चॉइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में और इसके साथ कैसे पैनल कनेक्ट करने हैं और इसके साथ हम क्या क्या लोड रन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।